आपको पता है अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं नुसरतु बिर्रुब, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा मशायख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है। हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहां पर पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोले हैं, बचपन से देख रहे हैं। हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहां बैठे हैं, कई नशेब और फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही है। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है। जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट्स और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम के करीब आएंगे।